अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ भिंडी फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1/2 kg भिंडी लेकर उसे गोल शेप में कट कर लिया है। अब पैन में 1 कप ऑयल को फास्ट फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। अब भिंडी डालेंगे और फास्ट फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। भिंडी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और हमें गैस की फ्लेम फास्ट ही रखनी है। अब 5 से 7 मिनट तक हमें इसे यूं ही फ्राई होने देना है, हमें इसे चम्मच से भी नहीं हिलाना है। ये देखिए, अभी भिंडी का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। तब हम इसे हिलाते हुए फ्राई करेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, हमें इसे यूं ही हिलाते रहना है। ये देखिए, अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसे स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। ये देखिए, भिंडी का बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब वही पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल रखेंगे और बाकी का निकाल लेंगे। अब 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे भुनेंगे। अब पैन में फ्राई की हुई भिंडी डालेंगे और 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। अब ये और क्रंची हो जाएगी। अब 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालकर 1 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, कितनी कुरकुरी भिंडी तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची भिंडी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।